कलर्स के नागिन 3 की लॉन्चिंग के बाद से हम लगातार ये देख रहे हैं कि हर टीवी चैनल कोई न कोई ऐसा शो लेकर आ रहा है जो सुपर नेचुरल एलिमेंट से भरपूर हो। बात करें अगर चैनल स्टार प्लस की, तो हाल ही में एकता कपूर का कयामत की रात लॉन्च हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि पिछले कुछ हफ्तों में ही इस शो ने टॉप 10 में अपनी जगह बना ली है। ऐसे में अब चैनल एक और शो लाने की तैयारी में है जो सुपर नेचुरल जॉनर पर ही बेस्ड होगा। इस शो का नाम है नजर। आपको बता दें कि हाल ही में शो का टीजर रिलीज किया गया है जिसने ये शो देखने के लिए लोगों के एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है। अब टीजर देखकर ये अंदाजा भी मिल गया है कि आखिर शो की कहानी क्या हो सकती है। दरअसल टीजर के मुताबिक ये शो एकता कपूर की फिल्म एक थी डायन पर बेस्ड होगा। जी हाँ, अगर आपने एकता कपूर की फिल्म एक थी डायन देखी है और अगर आप ये टीजर देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जिस तरह फिल्म में एक डायन अपनी लंबी सी चोटी से जादू करती है, ठीक वैसे ही इस शो में डायन अपनी लंबी चोटी से नजर लगाएगी। खबरों की माने तो भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा शो में डायन की भूमिका में नजर आने वाली है। और मोनालिसा के अलावा शो की लीड कास्ट के बारे में ऐसी खबर मिली है कि एक्टर हर्ष राजपूत और नियति फतनानी लीड रोल में नजर आएंगी। साथ ही एक्ट्रेस स्मिता बंसल भी अहम किरदार में दिखेंगी आपको इस शो में। कहा जा रहा है कि शो नजर कॉमेडी शो हर शाख पर उल्लू बैठा है को रिप्लेस करेगा। नजर 30 जुलाई से रात 8 बजे ऑन एयर होगा। अब शो का पहला टीजर देखने के बाद हमसे तो भाई इस शो का इंतजार करना काफी मुश्किल हो रहा है। आप भी बताइए कि इस शो को देखने के लिए आप कितना एक्साइटेड हैं।